नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इंदौर नंबर वन। जी हां, कैसे बना है इंदौर नंबर वन? स्वच्छता के मामले में पूरे देश में इंदौर नंबर वन है, लेकिन यूं ही नहीं बना है इंदौर नंबर वन। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के ऐतिहासिक पैलेस गांधी हॉल में। गांधी हॉल की अगर बात करें तो यहां बहुत सारे इतिहास को, इतिहास की यादों को समेटे ये भवन अपने आप में विरासत है। जी हाँ, माता अहिल्या के कार्यकाल से स्थापित ये भवन इंदौर शहर की आन बान शान को समेटे हुए है। अगर हम बात करें इंदौर नंबर वन की, तो इंदौर नंबर वन खान पान से या स्वच्छता से नहीं बनता, यहाँ की संस्कृति से बनता है इंदौर नंबर वन। या यूं कहें कि इंदौर वासियों की लगन, उनके आचरण और उनकी ईमानदारी और आदतों से बनता है इंदौर नंबर वन। जी हाँ, अब बात होती है कि एक शिक्षित और सभ्य आचरण करने वाली जो लोग हैं, रहवासी हैं जिस शहर को, तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की अगर ऐतिहासिक या संगीत बनाता है उस व्यक्ति को नंबर वन। इस वक्त आप मेरे पीछे देखेंगे कि अभिनव कला समाज है। अभिनव कला समाज इंदौर शहर का एक ऐसा जगह है, ऐसा संस्थान है जो पिछले 75 सालों से इंदौर को संस्कृति से सराबोर कर रहा है। अगर 75 सालों से इस जगह पर हमेशा शास्त्रीय संगीत की या संगीत की धुनों से हमेशा यहाँ का जो सुर निकलते हैं, उसकी सुर की जो आवाज़ इंदौरियंस के कानों में पहुँचती है, तो इंदौर का जो व्यवहार होता है, इंदौर की जो संस्कृति है, अपने आप में होती है नंबर वन। जी हाँ, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह जो ओपन कल्चर है यहाँ पर। आप देखेंगे कि इंदौर शहर में चाहे जो लता अलंकरण जो समारोह पहले यहीं हुआ करता था, ये बिल्डिंग आपको आज इतनी पुरानी जर्जर दिखेगी, लेकिन ये अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। जैसे कि आप जो प्लेस देख रहे हैं, पहले ये ओपन थिएटर हुआ करता था और पूरे देश के लोग यहाँ पर होने वाले आयोजन, शास्त्रीय जो संगीत के जो यहाँ आयोजन होते थे, उसको देखने लोग आते थे। यहाँ पर ओपन थिएटर के यहाँ पर लोग बैठते थे। और जो पीछे आपको बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगी मेरे सहयोगी से, कि आप पीछे की बिल्डिंग दिखाएँ। जी हाँ, ये अभिनव कला समाज की बिल्डिंग है। ये आप देखेंगे कि जो पूरा जो ये शेड आपको ये सीट ये दिख रही है, ये पूरा थिएटर था। यहाँ पर जो संगीतकार बैठते थे और जब यहाँ पर प्रस्तुति देते थे, तो जी ये आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ओपन थिएटर हुआ करता था, चूँकि फिर से अभी संस्थान द्वारा ये जीर्णोद्धार किया जा रहा है, फिर से ओपन थिएटर बनाया जा रहा है। जो यहाँ के अभी अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार खारीवाल, उनके द्वारा पुरानी संस्कृति को सहेजे हुए फिर से इस संस्कृति धरोहर को सहेजा जा रहा है, फिर से काम चल रहा है, ताकि लोग यहाँ पर बैठ के ओपन संगीत का आनंद लें और इंदौर जो संस्कृति एक संगीत की नगरी है, फिर से यहाँ के लोग यहाँ पर उसी संगीत की धुनों से सारा बोर हो और अपने कल्चर को सहेजे। चूंकि हम जमाना बदल गया है, 21वीं सदी में हैं, लोग चांद पर जा रहे हैं, ऐसे में अगर बात करें पुराने संगीत की, तो आने वाले समय को, वर्तमान जो दौर को समेटकर पुराने संगीत, पुरानी परंपरा को लेकर हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे सिंचित कर सकते हैं, कोई इस संस्थान से सीखे। जी हाँ, 75 साल, स्वर्णिम काल, अपने आप का स्वर्णिम काल मनाता ये अपने आप में भवन, कई इतिहास, पूरे इंदौर शहर का गौरव समेटे हुए, इतिहास समेटे हुए, अपने आप में एक धरोहर है जो इंदौर शहर को नंबर वन बनाती है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं अभिनव कला समाज के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी। उनसे बात करेंगे कि जो अभिनव कला समाज है उसके बारे में, और कितनी पुरानी जो ये प्लेस है, जो यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों को सहेजे हुए ये जो जगह है, उसके बारे में बताएंगे और इंदौर शहर के लिए क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानकारी। स्वागत है आपका पहले हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद शीतल जी। देखिए, अभिनव कला समाज लगभग 1950 आज़ादी के साथ साथ ये संस्था की स्थापना हुई और बाबूलाल जी मालू इसके संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी परिश्रम करके इस संस्था को स्थापित किया। और उसके बाद इस संस्था का गौरव रहा कि इसमें शुरुआती समय में जो इंदौर के संभाग आयुक्त होते थे,
वो इसमें अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद शहर के जो गणमान्य महापौर या उस स्तर के गणमान्य जन इस संस्था के समय समय पर अध्यक्ष रहे हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं। आज भी लगभग इस संस्था को 73 वर्ष होने आए हैं और इस संस्था का मूल ध्येय है, जब ये संस्था स्थापित हुई थी उस समय शास्त्रीय संगीत का भारत में बोलबाला होता था, तो शुरू के 30-40 साल तक शास्त्रीय संगीत पर ही ये संस्था फोकस रही और देश का ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं होगा नामचीन, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो या वादन के क्षेत्र में, जिसने अभिनव कला समाज के मंच पर आकर प्रस्तुति ना दी हो या स्वयं को गौरवान्वित ना समझा हो। ऐसे कलाकारों की एक लंबी फेहरिस्त है। जैसे पुराने इंदौर में एक नाटक थिएटरों का बहुत महत्व था और ये गांधी हॉल जो यहाँ का मेन ऐतिहासिक पैलेस है, हेरिटेज पैलेस है, यहाँ पर बहुत सारी महफिलें लगती थी, लोग गीत संगीत के जो शौकीन रात को लोग आते थे, तो उसके बारे में थोड़ा। निश्चित तौर पर ये जो हमारा मंच है अभिनव कला समाज का और उसके सामने जो एक मैदान है, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का मैदान है, तो उस समय जो आयोजन होते थे शहर के, लगभग 50-60 सालों का इतिहास रहा है। इस मंच पे कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे और जो मैदान है उसमें बैठ कर जनता रात रात भर या कई बार सुबह भी हो जाती थी, उस समय कवि सम्मेलन हो, शास्त्रीय संगीत की महफिल हो, सुगम संगीत की महफिल हो, लता अलंकरण समारोह जो एक मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठा समारोह है वो भी पहले यहीं पे होता था, इसके अलावा 3 दिन का एक सांघी संगीत समारोह भी एक प्रतिष्ठित समारोह था, वो भी अभिनव कला समाज के मंच पे होता था। इसके अलावा डांस की कक्षाएं यहाँ पर चलती रही, या सुगम संगीत की कक्षाएं चलती रही, वादन की कक्षाएं चलती रही और लंबे समय तक यहाँ पर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा केंद्र था वो भी अभिनव कला समाज बना, जहाँ से लोग परीक्षा देकर शास्त्रीय और गायन वादन की डिग्री प्राप्त करते थे। तो ये सब सिलसिले लगातार चले और इंदौर के जो पुराने लोग हैं और कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो आज भी वो दौर याद करते हैं कि एक सुनहरा दौर था जब रात के 9-10 बजे से सुबह 4-5 बजे तक अभिनव कला समाज में महफिल चलती थी और यहाँ पर सुनने वाले भी उतने ही प्रकांड लोग रहते थे जितने गाने वाले। कई बड़े कलाकार इंदौर आते थे तो कमर कस के आते थे कि इंदौर में जाके सुनाना है, मतलब उनको पूरी तैयारी वैसी करके आते थे कि इंदौर के सुनने वाले भी काफ़ी गुणी जन हैं। तो ये इस तरह का इतिहास अभिनव कला समाज का रहा है। अभिनव कला समाज में अगर यहाँ पर अगर प्रस्तुति अपनी देनी है तो एक सौभाग्य रहता होगा, मतलब देश के कलाकार या प्रदेश के कोई लोग आते होंगे तो उनके, चूंकि हमने देखा है कि काफ़ी पुराना है और हर कमरे भी बने हुए रुकने के लिए अलग अलग सब चीज़, तो यहाँ क्या व्यवस्थाएँ होती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि इंदौर में कलाकार आके गौरवान्वित महसूस होता था, तो उसकी बड़ी वजह थी कि इंदौर लता मंगेशकर जी का शहर था, इंदौर आमिर खान साहब का शहर था, इंदौर कुमार गंधर्व साहब का शहर था, तो इनकी भी एक साख थी और अभिनव कला समाज की तो साख रही है। तो यहाँ पर समय समय पर जो अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे हैं उनके भी देश भर के कलाकारों से रिश्ते होते थे, निजी रिश्ते, और उनके नाम से भी लोग आते थे। आज के दौर में व्यावसायिकता का दौर हो गया है, उस समय पैसा अव्वल नहीं था, उस समय कला और अपनी कला को जनता तक पहुंचाना एक ध्येय रहता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि जितना बड़ा कलाकार उतना बड़ा अमाउंट। अब आप जानकर आश्चर्य होगा आपको कि आजकल के जो नामचीन कलाकार हैं वो लोग 1-1 करोड़ रुपए, 75 लाख, 50 लाख इस तरह से पारिश्रमिक लेने लग गए एक एक कार्यक्रम का। तो ये एक बड़ा संगीत संस्थाओं के ऊपर एक बड़ा बोझ है कि यदि हम बड़े कलाकार को बुलाना चाहें तो उसको इतना पैसा कैसे दें, कहाँ से दें, क्योंकि शासन जो अनुदान देता है वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा है। यदि हम इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम करें तो मालूम पड़ा शासन से अनुदान आया 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, जो टेंट का खर्चा भी नहीं है आज की तारीख में। तो इस तरह का एक विरोधाभास पैदा हुआ है, कलाकारों ने अपने रेट इस कदर हाई कर दिए हैं कि आम जनता के लिए तो इस तरह की महफिल जो उस समय निःशुल्क होती थी वो अब बड़ी मुश्किल हो गई है इस तरह का आयोजन करना। जैसे कि हमने बताया कि इंदौर स्वच्छता के
पूरे देश में स्वच्छता में नंबर वन है, लेकिन अगर जैसा कि इन्होंने बताया कि नंबर वन इंदौर की तासीर रही है और आज से 75 चूंकि इतने सालों से ये अभिनव कला समाज संचालित हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो नंबर वन इंदौर पहले से रहा है। और आज अगर संगीत के क्षेत्र में देखें या बहुत जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें नंबर वन रहा, जैसे कि इन्होंने बताया। और जानते हैं कि अब आज की डेट में यहाँ पर वर्तमान में क्या संचालित हो रहा है, कितने बच्चे आते हैं प्रशिक्षण के लिए, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि बीच में अभिनव कला समाज का कार्यकाल कुछ ऐसा रहा था जो गतिविधियां ठप्प सी हो गई थी। यहाँ पर एक देखा जाए तो एक सूना सा अभिनव कला समाज, जो चहल पहल होती थी, यहाँ धुनें आती थी, हर मतलब जो कहते हैं कि संगीत की धुनें आनी चाहिए, यहाँ सन्नाटा था, लेकिन जब से ये अध्यक्ष बने हैं उसके बाद फिर से चहल पहल वही रौनक है। तो इसके संघर्ष के बारे में जानते हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल और उसके कुछ पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि संगीत का आयोजन करना बड़ा आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है, तो वो एक थोड़ा सा एक बीच का ऐसा दौर आया है। लेकिन बीते 3 सालों से यहाँ पर संगीत के आयोजनों की, शास्त्रीय संगीत के आयोजनों की और विशेषकर अभिनव की, थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सुविधा की गई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभिनव कला समाज में प्रतिदिन 3 संगीत की कक्षाएं चलती है, अभिनव की कक्षाएं चलती है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे संगीत भी सीखते हैं, वादन भी सीखते हैं और इधर अभिनव में थिएटर क्लास भी अटेंड करते हैं। और यहाँ पे लगातार इन सब बच्चों के शो भी हम लोग आयोजित करते हैं और आने वाले दिन में हम लोग यहाँ पे पेंटिंग की भी क्लासेस आरंभ करने वाले हैं। तो ये इस समय 3 साल में हमने कोशिश करी है कि जो बैकलॉग हो गया था हमारा या पीछे लोग भूलने लग गए थे, तो हमने उस चीज़ को समाप्त किया है। आज वापस से शहर की हर संगीत प्रेमी संस्थाओं के मुंह पे और सुनने वाले के मुंह पे अभिनव कला समाज का नाम वापस से आ गया है। इंदौर संगीत प्रेमी का शहर है और बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत बहुत सारे उस समय हुआ करता था, क्या अभी डिमांड किस क्या है बच्चों में, यूथ कहाँ जा रहा है, क्या पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है या वही पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है अभिनव कला समाज? नहीं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत जो प्राचीन संगीत है, संगीत की जान है, उसके लिए नई पीढ़ी का रुझान कम है। लेकिन अभिनव कला समाज के साथ ही शहर में कई ऐसी संस्था हैं जो शास्त्रीय संगीत सिखा रही है और सभी दूर बड़ी संख्या में युवा बच्चे जा रहे हैं, जैसे गौतम काले जी की क्लास है, शोभा चौधरी जी की क्लास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुणीजन इंदौर में, कल्पना जोकरकर जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे सीखने जा रहे हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ संगीतज्ञ पंडित सुनील मसूरकर जी क्लास लेते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि युवा लोग ही ज़्यादा आते हैं, सभी दूर वरिष्ठ जन या अन्य आयु की बजाय युवा लोगों में क्रेज़ है। और नई नई चीज़ें जो एक परंपरागत शास्त्रीय संगीत था उससे अलग हटके कुछ कुछ नया जोड़ के भी सिखाया जा रहा है, तो वो भी एक वजह है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक आदमी शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेगा बेसिक, जब तक उसके लिए किसी भी तरह की संगीत में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए युवाओं का रुझान बरकरार है। हाँ, श्रोताओं की कुछ कमी ज़रूर मैं महसूस करता हूँ कि शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जितना सुगम संगीत में लोग आते हैं उसकी तुलना में शास्त्रीय संगीत में लोग कम आते हैं। मैं कई बार कहता हूँ मजाक में शास्त्रीय संगीत वालों को कि भाई आप गाने वाले तैयार कर रहे हो, शास्त्रीय संगीत सुनने वाले भी तैयार करो, क्योंकि जब तक सामने पर्याप्त संख्या में लोग ना हो तो एक आनंद नहीं आता कलाकार को। जब तक तालियां और वाह वाह ना मिले तो उसके मन में कहीं ना कहीं कचोटता है। Thank you.
परंपरा है नाइट संस्कृति की, नाइट कल्चर की नहीं। जी हाँ, इसी को समेटे ये जो अभिनव कला समाज है, जो नाइट संस्कृति को समेटे कि दूर दूर से जब लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे तो रात में, चूंकि थोड़ी दूर अगर देखेंगे तो सियागंज का मार्केट है और दूर दूर से लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, उस समय वाहनों का जो आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, तो अभिनव कला समाज में यहाँ पर रात भर संगीत के कार्यक्रम चलते थे और लोग यहीं बैठ के ओपन जगह पर निःशुल्क रात विश्राम करते और संगीत का आनंद लेते। ऐसे ही नहीं बना है इंदौर नंबर वन, क्योंकि यहाँ के इतिहासकार, इंदौर के जो लोग हैं, यहाँ का जो संगीत है, यहाँ का जो कल्चर है, उससे मिलकर बनता है इंदौर नंबर वन।